केरल का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केरल के कृषि मंत्री, एक बार फिर आपको बता दें कि कृषि मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लगातार जो कोरोना वायरस है देश के तमाम न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वीवीआईपीस को भी अपना शिकार बना रहा है। कृषि मंत्री केरल के वो भी संक्रमित हो गए हैं, कोरोना के शिकार हो चुके हैं। आज ही उनको वैक्सीन लगनी थी लेकिन वैक्सीन लगने से पहले वो संक्रमित हो गए हैं। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह आपकी टीवी स्क्रीन पर, केरल के कृषि मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संक्रमित पाए गए थे बीते रोज और अब केरल के कृषि मंत्री वो संक्रमित पाए गए हैं। और इसके साथ ही हलचल तेज हो चुकी है पूरे देश में। लगातार जो आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लोगों में डर का माहौल, लेकिन साथ में वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है। कृषि मंत्री को आज वैक्सीन लगनी थी लेकिन वैक्सीन लगने के कुछ ही चंदों घंटे पहले उन्हें कोरोना संक्रमित घोषित किया गया है। वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कृषि मंत्री बी एस सुनील कुमार दूसरी बार संक्रमित हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।